हाय बच्चों, कैसे हो आज आप? यू आर वेलकम टू द डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसे कि मैं आपको इंडियन लैंग्वेजेस चैप्टर करवा रही थी, जो था आपका चैप्टर सेकंड, एंड उसमें मैंने कुछ आपको टॉपिक्स करवाए थे, जो थे आपके लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में, फिर थे आपके कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, फिर थे आपके स्टेटस ऑफ हिंदी एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 एक्सपेक्टेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर इज़ ए नेसेसरी कंडीशन। मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने क्या माना है कि अगर इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में डेवलपमेंट होगा, तभी जाके एजुकेशनल एंड कल्चर प्रोग्रेस में जो पर्सनस है, जो पीपल है, उनको एक एनर्जी मिलेगी। लाइक एनर्जी इन द एनर्जाइज इन द सेंस एंथुजियाज़म होगा, एक गैल्वनाइज होगा, लोग एनकरेज होंगे उस चीज़ को सीखने के लिए, अगर इंडियन लैंग्वेज में लिटरेचर नहीं डेवलप हुई तो। ठीक है, तो एजुकेशनल एंड कल्चर प्रोग्रेस में पीपल इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको यूटिलाइज प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देगी पीपल्स के बिहेवियर में। ठीक है, इन द स्टेटस ऑफ एजुकेशन एंड द गैप बिटवीन द अकेडमिक एंड कॉमन पीपल विल नॉट बी ब्रिज्ड। अब अकेडमिक क्या हो गया, अकेडमिक में आपके सोक्लास्टिक आस्पेक्ट्स इंक्लूड हुए। सोक्लास्टिक मतलब आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, नॉट अ प्रैक्टिकल नॉलेज बट अ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज एंड कॉमन पीपल के बीच का जो गैप है वो कम ही नहीं होगा, तो एजुकेशन पॉलिसी कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस हैज़ बीन एनकरेज्ड फॉर मेनी ईयर्स नाउ। मतलब जो रीजनल लैंग्वेज होती है, मतलब आपकी मदर टंग और जो आपकी रीजन में बोली जाती है, वो लैंग्वेजेस एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन रखे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस में, हैज़ बीन एनकरेज्ड फॉर मेनी ईयर्स नाउ। कि मतलब कि ये जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मतलब आपकी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस आज की डेट में बच्चों को बहुत एंकरेज करती है कि हम कुछ न्यू कंसेप्ट सीखें, क्योंकि आपको पता है हर एक बच्चा इंडिविजुअलिटी में डिफरेंस होता है, मतलब हर एक बंदे की जो बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए टीचर्स को बोला जाता है कि उनको उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में या फिर मदर टंग में सिखाया जाए, ताकि बच्चा मोर एक्वायर करे उस चीज़ को। फिर है आपका, इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड एनफोर्स द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर द सेकेंडरी क्लास। मैंने आपको क्या बताया था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाता है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉलो करें फॉर सेकेंडरी क्लास, दैट इज़ फॉर टेंथ टिल टेंथ क्लास। मतलब थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, थ्री लैंग्वेज में जिसमें आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज तीनों इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ ए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, वाइल टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, मतलब वाइल टॉकिंग मतलब बात करते हुए डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस के बारे में एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 वाली है, उन्होंने क्या माना है दैट द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 वाली शुड बी इम्प्लीमेंटेड मीनिंगफुली विथ स्पीड। मतलब कि नेशनल पॉलिसी 1986 ने एक्सेप्ट किया है नेशनल पॉलिसी 1968 वाली को, जिसमें लिखा है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड मीनिंगफुली विथ स्पीड। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट दैट द रामा मूर्ति कमेटी, जो रामा मूर्ति कमेटी है 1999-90 की, रिव्यू दैट द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वाली एंड सिग्निफिकेंटली कमेंटेड दैट एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर वाई रूरल चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू एक्सेस हायर एजुकेशन इज द कॉन्टिन्यूंट डोमिनेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि जो बच्चे रूलर मतलब बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं वो क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि जो आजकल की स्कूल में जो लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस होता है वो होता है इंग्लिश। जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो रूलर बच्चों को नहीं आती, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीखते हैं, मतलब अपनी होम लैंग्वेज में, और उनको फोर्स किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने के, जिससे वो बच्चा एक्वायर नहीं कर पाता प्रॉपरली। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डोमिनेंस रहता है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है, दस इट इज़ नीड ऑफ द टाइम दैट
is regional languages may be encouraged as the medium of education at all level. इसीलिए बोला जाता है कि जो regional languages होती है, जो आपके region की languages होती है, आपकी जो mother tongue होती है, उसको encouraged करना चाहिए as a medium of education at all levels. क्यों? क्योंकि हर बच्चा भी बताया था, हर बच्चा एक different abilities के साथ पैदा होता है, capabilities होती है उनकी, ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो एक ही क्लास में पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे जो है वो एक ही रीजन से आते हैं, कोई साउथ से आता है या फिर कोई नॉर्थ से आता है या कोई दूर से आता है, तो हर एक बच्चे की एक अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, एक होम लैंग्वेजेस होती है, तो आप एक हर एक क्लास के बच्चे को एक ही लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए बोला जाता है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी होती है क्लास में, तो उस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे लैंग्वेज में लैंग्वेज को एक्वायर कर सके उस हिसाब से. और टीचर को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जिस बच्चे को जिस लैंग्वेज में समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में समझाना चाहिए. जो लास्ट में करवाया था वो था आपका नेशनल पॉलिसी के, अब यहाँ पर है एनसीएफ के लिए, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के एनसीएफ ने क्या बोला है, चिल्ड्रन हैव एन इनटेक पोटेंशियल टू एक्वायर नॉलेज, मतलब कि बच्चे के पास एक इनटेक पोटेंशियल होता है, मतलब अंदर से ही वो सीखता है या एक्वायर लैंग्वेज करता है, ठीक है. मोस्ट चिल्ड्रन हैव इंटरनलाइज्ड वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक लैंग्वेज अपने घर से सीख कर आते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 और 5 ईयर का जो बच्चा होता है वो एक अपनी लैंग्वेज एक्वायर कर कर आता है, ठीक है, तो उसको जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी से होती है वो लैंग्वेज की वो लेकर आता है, रूल्स लेकर आता है इवन बिफोर दे एंटर द स्कूल, ठीक है. एंड व्हेन दे स्टार्ट स्कूल ही कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक टू हर 3 लैंग्वेज, मतलब कि जब वो स्कूल में आना शुरू करता है वो समझ जाता है, वो समझना शुरू कर देता है और लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है, ठीक है. फिर है दिस करिकुलम फ्रेमवर्क हैज़ आस्क फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. अब एनसीएफ ने क्या बोला है कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें. देयर इज ऑल्सो एन एम्फेसिस एक्सेसिबिलिटी फॉर यूजिंग चिल्ड्रेंस मदर टंग इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन. अब कुछ बच्चे ट्राइबल एरिया से आते हैं, ठीक है, उनकी भी लैंग्वेज अलग होती है, तो चिल्ड्रन को उनको अलाउ करना चाहिए मदर टंग या इंक्लूड ट्राइबल लैंग्वेज ऑल्सो मीडियम एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है. द मल्टी लिंगुअल करेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी लुक्ड अपॉन एज ए रिसोर्स फॉर डेवलपिंग मल्टी लिंगुअल प्रोफिशंसी इन ईच चाइल्ड. मतलब क्या है मल्टी लिंगुअल करेक्टर क्या है ऑफ इंडियन सोसाइटी का, कि अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेज आ रही है, ठीक है, तो ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए एक मल्टी लिंगुअल प्रोफेंसी में हर एक बच्चे में, ठीक है. प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एज ए पार्ट ऑफ दिस पैकेज. दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ द पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ मदर टंग. ये कैसे पॉसिबल है, जो हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जो भी लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं उस लैंग्वेज को हम उसकी मदर टंग में पढ़ाए तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा एंड अपनी स्किल को निखार पाएगा, ठीक है. अब क्या है बायलिंगुअलिज्म एंड और मल्टीलिंगुअलिज्म. बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअल, बायलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअल मतलब 2 से ज़्यादा, डेफिनेटली हैज़ कॉग्निटिव बेनिफिट, ठीक है. द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज़ एन अटेम्प्ट टू डील विद अवर लिंग्विस्टिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. इट इज़ ए स्ट्रेटजी विच लेज डाउन द पाथ फॉर लर्निंग वेरियस लैंग्वेज. मतलब बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे आप बच्चे को निखार सकते हो, उसकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, ठीक है. ये आपका लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में कैसी है, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया था. ये आपका इंडियन लैंग्वेजेस का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, आप ट्राई करना, सॉल्व करना, कोशिश करना कि आपसे हो जाए. जस्ट रीड आउट द ऑप्शंस एंड देखना आपसे कितने हो रहे हैं, ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को. आइए पहला क्वेश्चन करते हैं. क्या है आपका पहला क्वेश्चन, देखिए. इन अ डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम मतलब जो बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब एक क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं. लर्नर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश, मतलब कि जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनको क्या डिफ़िकल्टी होती है स्पीक करने में और इंग्लिश गुड इंग्लिश लिखने में, ठीक है. एंड ऑफन लैप्स इन टू देयर मदर टंग, ठीक. एंड इस वजह से वो अपनी मदर टंग इंग्लिश में अपनी मदर टंग ले आते हैं, ठीक है. इस क्यों लाते हैं, क्या रीज़न है, क्यों, ठीक है,
ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, मतलब उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती याद लर्न करने के लिए। सेकंड, द लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टू लैंग्वेज आर डिफरेंट, मतलब उनको ये नहीं पता चलता कि दो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। सी, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, उनके पास मतलब एबिलिटी नहीं होती कि वो इंग्लिश की भाषा याद लर्न कर सके, एक्वायर कर सके, या फिर वो दे आर स्लो लर्नर्स, या फिर वो स्लो लर्नर्स होते हैं। तो सोचिए, आप सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि दे लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टू लैंग्वेज आर डिफरेंट। ठीक है। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की नॉलेज से ज़्यादा क्या है। ए ऑप्शन कन्फ्यूज द लर्नर वाई लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, बी ऑप्शन इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, सी ऑप्शन कॉजेज इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, या ऑप्शन डी बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज ऑफ अ क्लास रूम। पहली बात तो बर्डन तो कभी होगा नहीं आंसर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर जो होता है कन्फ्यूजन भी नहीं होती बच्चों में, ठीक है, और इंटरफेरेंस तो होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं इंटरफेरेंस लर्निंग में। तो जो बचा आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन बी जो है इज़ वेरी यूजफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है। अब ऑप्शन थर्ड देखते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल हेल्प टू ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स, मतलब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कम्युनिकेशन बैरियर्स को, वार्तालाप वाले बैरियर्स को हटाते हैं या फिर ब्रेक डाउन करते हैं, एंड अनेबल चिल्ड्रेन टू स्टडी एंड लर्न इन बोथ, एंड चिल्ड्रेन को अलाउ करते हैं कि वो अपनी जो स्टडी कर सके, कोई चीज़ याद कर सके, वो बोथ लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू दोनों में याद कर सकते। तो क्या है ऑप्शन ए देखिए आपका मोर टेक्सचुअल, या ऑप्शन बी है आपका कॉम्युनिकेटिव, या ऑप्शन सी आपका मल्टीलिंगुअल, या ऑप्शन डी आपका मल्टीमीडिया। मोर टेक्सचुअल क्या होगा, टेक्सचुअल की तो कोई बात ही नहीं है, टेक्स्ट रिलेटेड कोई बात ही नहीं, उन्होंने बस मतलब एनेबल चिल्ड्रन टू स्टडी लर्न इन बोथ लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू की बात है। कम्युनिकेटिव क्या, तो कम्युनिकेटिव में तो सिर्फ वार्तालाप होती है, मतलब एक ही लैंग्वेज में वार्तालाप हो रही है, ठीक है। इसमें बोला है दोनों लैंग्वेज में, लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू, तो आपका राइट ऑप्शन है मल्टीलिंगुअल, क्योंकि एक से ज़्यादा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो आपका मल्टीलिंगुअल होगा। अगर यहाँ पे बाईलिंगुअल होता तो आपका बाईलिंगुअल आंसर होता, लेकिन यहाँ पे मल्टीलिंगुअल लिखा है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और मल्टीमीडिया तो आपको पता ही है किससे रिलेटेड होता है, टीवीज़ वगैरह पिक्चर्स वगैरह से रिलेटेड होता है आपका मल्टीमीडिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, देखिए, लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज। पहले तो आप मतलब समझिए टारगेट लैंग्वेज होती क्या है। देखो टारगेट लैंग्वेज क्या है, द लैंग्वेज इन टू विच अ टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट और स्पीच ट्रांसलेट किया जाता है, या फिर एज सिंपल एज एक एक लैंग्वेज विच अ पर्सन इंटेंड टू लर्न, मतलब कि आपकी जो स्कूल में एक टारगेट लैंग्वेज होगी, जैसे सपोज आपकी टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उस चीज़ में अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इन अ क्लास वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इज़ द लोकल वर्नाकुलर। अब वर्नाकुलर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी समझाया था, वर्नाकुलर का मतलब होता है कि वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, जो हम एक लैंग्वेज की वैरायटी जो हम कॉमन डेली 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 बेसिस पे यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर ये दिस मतलब आप लगा लीजिए लाइक मदर टंग लगा लीजिए बेसिकली फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये चैलेंज हम कैसे मीट कर सकते हैं, मतलब लर्नर्स का जो कॉन्फिडेंस लैक हुआ है उसको हम लोकल वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उससे हम कैसे मीट करें ताकि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस हो वो राइज हो। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं आपका, पहला ऑप्शन क्या है, इंसिस्टिंग ऑन स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली द टारगेट लैंग्वेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स एनहेंस देयर वोकेबलरी विद रेगुलर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑप्शन ये है, मतलब इंसिस्टिंग ऑन स्टूडेंट यूजिंग ओनली द, मतलब क्या बोलो कि बच्चों को बस टारगेट लैंग्वेज सिखाए इरिस्पेक्टिव, मतलब उनका कोई ग्रामेटिकल एरर हो तो उसको ठीक ना करे, उनकी वोकेबलरी एनहेंस ना करे, पर उनको रेगुलर फीडबैक दे उनकी परफॉर्मेंस को लेके। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन, इंस्ट्रक्टिंग देम टू स्पीक स्लोली एंड सेल्फ करेक्ट ग्रामेटिकल एरर एनहेंस देयर वोकेबलरी विद अ लिस्ट ऑफ यूजफुल वर्ड, मतलब उनको खुद बोले कि तुम धीरे बोलो भाई, एंड सेल्फ करेक्ट खुद ही अपनी ग्रामर ठीक करो, अपनी वोकेबलरी ठीक करो और कुछ यूजफुल वर्ड्स देखो, मतलब ये बोले, या फिर अलाउंग स्टूडेंट टू स्पीक
अबाउट वट एवर दे कैन इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर. मतलब कि उन्हें कुछ भी बोलने को बोलो भाई, तू बोल बच्चे तू बोल, हम कुछ तेरा सही नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों तू कितनी भी ग्रामेटिकल एरर्स कर, एनहेंस देयर वोकेबलरी एंड ग्रेजुअली मेक करेक्शन. और उनकी जो वोकेबलरी है उन्हें एनहेंस करने दो और धीरे धीरे उसकी करेक्शंस को ठीक करें, ये करें. या फिर अलाउंग स्टूडेंट टू वॉच इंग्लिश फिल्म्स एज मोटिवेशन. मतलब या फिर बच्चों को अलाउ करें कि भाई तू जाके, बच्चे जाके इंग्लिश की मूवी देखो, प्रैक्टिस अ ड्रिल कंसिस्टिंग, या फिर कुछ ऐसा प्ले करवाए, ठीक है, यूजफुल सेंटेंस जिसमें बहुत अच्छे सेंटेंस हो, जिसमें आप बच्चों को यूजफुल सेंटेंस दे सकें, वोकैबुलरी दे सकें विद रेगुलर करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल एरर. और उस फिल्म में या फिर उस सेंटेंसेस में आप ऐसा कुछ करो जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो और आप उसे रेगुलरली ठीक करो. तो आप खुद सोचो क्या होना चाहिए. देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हाउ मैं बताती हूँ. ऑप्शन ए पढ़िए पहले, क्या लिखा है, इंसिस्टिंग ऑन स्टूडेंट यूजिंग ओनली द टारगेट लैंग्वेज. पहले तो आप बच्चों को बोलो कि आप बच्चों की आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है. अगर आप टारगेट लैंग्वेज ही नहीं पढ़ोगे तो आप एक्वायर कैसे करोगे उस टारगेट लैंग्वेज को, ठीक है. टारगेट लैंग्वेज पढ़ो, कोई बात नहीं, आप में कोई भी मिस्टेक हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप टारगेट लैंग्वेज को पढ़ो. एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि टारगेट लैंग्वेज होती कैसे है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर ग्रामेटिकल एरर्स है. एनहेंस देयर वोकैबुलरी, थोड़ी धीरे धीरे अगर आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ोगे धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी. और रेगुलर फीडबैक दो बच्चों को कि परफॉर्मेंस के बारे में. और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, चाहे बच्चों ने लिटिल बिट ऑफ कुछ भी अच्छा काम किया, हमेशा अप्रिशिएट करो, बिकॉज इन टूडेज़ वर्ल्ड एप्रिशिएशन इज मस्ट. अगर आप बच्चे को मोटिवेट ही नहीं करोगे तो बच्चा क्यों करेगा कोई काम. तो ऑलवेज मोटिवेट योर चिल्ड्रेन, ठीक है, ताकि बच्चा और अच्छा करे, ठीक है. फिर यह आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो है आपका टू अनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन अ बायलिंगुअल क्लास दे शुड बी एनकरेज टू. देखो दोबारा पढ़े क्वेश्चन, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अकेडमिक. मैंने क्या बताया था, अकेडमिक का आपको सो क्लास्टिक आस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं जिसमें आपकी थियोटिकल नॉलेज होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंस करने के लिए. और स्पोकन फॉर्म ऑफ टारगेट लैंग्वेज में जो टारगेट लैंग्वेज में बोला जाता है लैंग्वेज इन ए बायलिंगुअल क्लास, बायलिंगुअल जिसमें दो लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, दे शुड बी एनकरेज टू. किस चीज़ के लिए एनकरेज होना चाहिए, पहली चीज़, पहला ऑप्शन, राइट मोर इन टारगेट लैंग्वेज, मतलब हर चीज़ को टारगेट लैंग्वेज में ही लिखो, ऑप्शन ए. बी, वॉच मोर रिलेटेड बायलिंगुअल फिल्म, मतलब कि अब तुम बायलिंगुअल फिल्म दिखाओ बच्चों को, मतलब दोनों में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज चल रही है. या फिर सी, स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, या फिर आप बात ही टारगेट लैंग्वेज में करो, ठीक है. ऑप्शन डी, रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, या फिर आप जो बुक्स है वो टारगेट लैंग्वेज में पढ़ो. तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो है आपका रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है. ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको, और क्वेश्चंस करवाऊंगी क्योंकि आपका चैप्टर 2 फिनिश हो गया. एंड मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करती रहूंगी, ठीक है. ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके रिगार्डिंग. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ.